दोस्तों आज हम एक पोएम पढ़ेंगे मैक फ्लेकनो को लिखा था जॉन ड्राइडन ने। दोस्तों इस पोएम का पूरा टाइटल है मैक फ्लेकनो अ सटायर अपन द ट्रू ब्लू प्रोटेस्टेंट पोएट TS। अब ये जो ब्लैक कलर में लिखा है ये इसका सब टाइटल है, बहुत बड़ा है। और जो लास्ट में TS लिखा हुआ है ना उसकी फुल फॉर्म है थॉमस शैडवेल। दोस्तों थॉमस शैडवेल भी एक पोएट हुआ करते थे जॉन ड्राइडन के ज़माने में, लेकिन जॉन ड्राइडन थॉमस शैडवेल को पसंद नहीं करते थे और इन दोनों की दुश्मनी रहती थी, काफ़ी डिसएग्रीमेंट्स रहते थे। और इस पोएम में मैक फ्लेकनो में जॉन ड्राइडन ने थॉमस शैडवेल का मजाक बनाया है। दोस्तों एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, जॉन ड्राइडन के ज़माने में पोएट्स दो सेक्शंस में बटे हुए थे। पहला सेक्शन था टॉरेस का और दूसरा था विक्स का। टॉरेस जो थे वो रॉयल सपोर्टर्स थे, यानी जो किंग और क्वीन हुआ करते थे उनको ये लोग सपोर्ट किया करते थे, राजा महाराजाओं को सपोर्ट किया करते थे। लेकिन जो विक्स थे वो मिडिल क्लास थे और ये लोग पार्लियामेंटेरियंस को सपोर्ट किया करते थे। तो दो डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज थी दोनों सेक्शंस के बीच में। अब दोस्तों जॉन ड्राइडन टॉरियस वाले सेक्शन में थे और थॉमस शैडवेल विक्स वाले सेक्शन में थे, तो इन दोनों की सोच बिल्कुल अलग अलग थी और इस वजह से भी इन दोनों के बीच लड़ाई थी, डिसएग्रीमेंट्स थे। दोस्तों थॉमस शैडवेल के अलावा जॉन ड्राइडन ने पोएटेस्टर्स पर भी अटैक किया था। पोएटेस्टर्स कहते हैं उन पोएट्स को जो बेतुके, बेकार और बकवास वर्क्स प्रोड्यूस कर रहे थे सिर्फ पैसा कमाने के लिए। ये लोग बेन जॉनसन को कॉपी कर रहे थे। दोस्तों इस लड़ाई की शुरुआत एब्सलम एंड एकिटोफिल से शुरू होती है। ये पोएम जॉन ड्राइडन ने लिखी थी और इस पोएम में ड्राइडन ने विक्स पर अटैक किया था। विक्स यानी वो पोएट जो पार्लियामेंटेरियंस को सपोर्ट कर रहे थे और विक्स में थॉमस शैडवेल भी थे। एब्सलम एंड एकिटोफिल के बाद 1682 में थॉमस शैडवेल इस अटैक का रिप्लाई करते हैं और थॉमस शैडवेल लिखते हैं लैंकैशर विचेस के रिस्पांस में जॉन ड्राइडन फिर से उन पर अटैक करते हैं और जॉन ड्राइडन लिखते हैं मेडल, और फिर मेडल के रिस्पांस में दोबारा से शैडवेल लिखते हैं मेडल ऑफ जॉन बेस, और फिर फाइनली मेडल ऑफ जॉन बेस के रिस्पांस में जॉन ड्राइडन लिखते हैं मैक फ्लेकनो। तो ये सारा सियापा एब्सलम एंड एकिटोफिल से शुरू हुआ है और इन दोनों पोएट्स ने अपने वर्क्स के ज़रिए एक दूसरे को रिस्पांस किया है। तो मैक फ्लेकनो रिस्पांस था मेडल ऑफ जॉन बेस का, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पोएम की कहानी, आई होप आपको पसंद आएगी। सिंपल सी कहानी है, बेसिकली यहाँ पर थॉमस शैडवेल का मजाक बनाया गया है। दोस्तों मैक फ्लेकनो नाम का एक मोनार्क है, एक राजा है जो बिल्कुल बेवकूफ़ है और कम अक्ल है। शासन करना और देश को चलाना इसके बस की बात नहीं है। मैक फ्लेकनो अब बूढ़ा हो गया है और वह शासन नहीं कर सकता। उसको शासन करने के लिए एक नया राजा चाहिए जो नौजवान हो, जिसके बाजुओं में दम हो और खून गर्म हो। अब फ्लेकनो के सामने दो ऑप्शंस हैं, एक तरफ उसके सामने उसका बेटा है जो कि फ्लेकनो की तरह ही नाकाम, बेकार और कम अक्ल है, लेकिन दूसरी ओर फ्लेकनो के सामने एक हुनार पोएट है जो बहुत टैलेंटेड है और दिमाग से भी बहुत तेज़ है। लेकिन फ्लेकनो उस पोएट को नहीं चुनता, बल्कि फ्लेकनो अपने बेटे शैडवेल को चुन लेता है। शैडवेल के पास कोई भी टैलेंट नहीं है, ये थका हुआ बेवकूफ़ इंसान है जिसका पेट निकला हुआ है, बहुत मोटा है, बहुत चर्बी है इसके जिस्म में। अब दोस्तों यहाँ पर जॉन ड्राइडन इस शैडवेल की बेइज्जती करते रहते हैं, वो बहुत कुछ लिखते हैं इसके बारे में। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि इस पोएम में ड्राइडन ने थॉमस शैडवेल का मजाक बनाया है, तो थॉमस शैडवेल को इस पोएम में शैडवेल नाम के करेक्टर्स के सहारे जाहिर किया गया है। शैडवेल राजा बनने के बाद पूरे महल को ब्रॉथल में बदल देता है, ब्रॉथल यानी वैश्यालय जहाँ पर प्रोस्टिट्यूट्स होती हैं, और शैडवेल के लिए नाटकों को भी परफॉर्म किया जाता है जहाँ पर सिर्फ बेकार और थके हुए एक्टर्स परफॉर्म करते हैं
और सिंपल प्लेस को परफॉर्म किया जाता है, वो नाटक परफॉर्म किए जाते हैं जो बच्चे देखना पसंद करते हैं, जो नाटक बच्चों के आसानी से समझ आ जाते हैं। तो इस तरह की एक इमेज बनाने की कोशिश करी गई है कि शैडवेल एक निहायती फजूल इंसान है जिसके बस की कुछ भी नहीं है, उसमें कोई टैलेंट नहीं है, कोई स्किल नहीं है। दोस्तों, ड्राइडन ने सारी हदें पार करी हैं यहाँ पर, और ड्राइडन ने यहाँ तक कह दिया है कि जो ह्यूमन वेस्ट होता है, ह्यूमन वेस्ट को लिंक किया गया है शैडवेल की राइटिंग से। जिस तरह ह्यूमन वेस्ट किसी काम का नहीं होता, बिल्कुल बेकार होता है और सिर्फ गंदगी फैलाता है, उसी तरह शैडवेल की राइटिंग्स भी हैं जो किसी काम की नहीं हैं। शैडवेल को हैनिबल से भी कंपेयर किया गया है। ड्राइडन कंपेयर्स शैडवेल विद अ हिस्टोरिकल फिगर हैनिबल टू सजेस्ट डैट शैडवेल्स पर्पस इज़ टू डिस्ट्रॉय वेट एंड रिप्लेस इट विद डलनेस। दोस्तों, ड्राइडन थमते नहीं हैं, वह कुछ ना कुछ बोलते जा रहे हैं और ड्राइडन बुराई करते जा रहे हैं। ड्राइडन लिखते हैं कि जो ऑयल है ना, जिस तेल से बादशाह के जिस्म में मालिश करी जाती है, उस तेल को भी एल से रिप्लेस कर दिया गया है। एल एक तरह की बियर होती है, तो अब बादशाह की मालिश तेल से नहीं होती बल्कि एल नाम की बियर से हो रही है। इसके बाद जो फॉर्मर किंग है फ्लैकनो, वो प्रेजेंट करता है उस ज़मीन को जहाँ पर शैडवेल राज करेगा, और जो ज़मीन प्रेजेंट करी जाती है ना फ्लैकनो के द्वारा अपने बेटों को, उस ज़मीन पर कोई रहता ही नहीं है। मतलब शैडवेल उस ज़मीन पर राज करेगा जहाँ पर कोई रहता ही नहीं है। द फॉर्मर किंग बिगिन्स बाय प्रेजेंटिंग द लैंड ओवर विच द न्यू किंग विल रूल, अ टेरिटरी वेयर नो वन लिव्स। इसके बाद फ्लैकनो अपने बेटे को आशीर्वाद देता है, उसके लिए दुआ करता है और कहता है कि बेटा, तुम हमेशा सच्चे रहना अपनी राइटिंग्स के प्रति और अपने वर्क में कोई भी चेंजेस नहीं करना। और फिर अपनी स्पीच को ख़त्म कर देता है शैडवेल की एबिलिटीज़ की तारीफ करते हुए, और कहता है कि बेटा, तुम हमेशा बुद्धू ही रहना, डल ही रहना, बेवकूफ़ ही रहना, और कभी भी जॉनसन जैसे महान राइटर बनने की कोशिश मत करना, बेन जॉनसन को कॉपी मत करना। तो दोस्तों, आई होप आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा इस पोएम का, और आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।